हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली के एक लेटेस्ट और एडवांस TDL फाइल के बारे में बताएंगे। और ये TDL फाइल भी टैली की बाकी सभी TDL फाइल्स की तरह के एक एडवांस TDL है। इस TDL फाइल का नाम है माई डॉक्यूमेंट अटैचमेंट। जैसे कि इस TDL फाइल के नेम से हमें इस TDL फाइल का वर्क क्लियर हो जाता है, यानी हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके रख सकते हैं। जैसे कि हमारी ITR रिटर्न, GST रिटर्न। इस TDL फाइल की मदद से हम कितने भी साल की इनकम टैक्स के रिटर्न के अटैचमेंट को रख सकते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर एक ईयर की हमें इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगी तो एक ही बटन की मदद से हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। हमें अपने कंप्यूटर के अंदर बार बार उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरीके से हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, चाहे GST सर्टिफिकेट हो, पैन नंबर हो, आधार नंबर हो, टैन नंबर हो, इन सभी के सर्टिफिकेट या इन सभी के डॉक्यूमेंट को हम टैली सॉफ्टवेयर में अटैच करके रख सकते हैं। अगर फ्यूचर में हमें किसी भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो एक ही बटन से हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही जितनी भी ऐसी वेबसाइट होती है जिन्हें हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, उन सभी को भी हम टैली सॉफ्टवेयर में ऐड करके रख सकते हैं, जिससे एक ही क्लिक के अंदर हम उस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, उन सभी को भी हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक बार ऐड करके रख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम एक ही TDL फाइल की मदद से कर सकते हैं। और टैली की काफ़ी एडवांस TDL फाइल है, लगभग सभी तरीके के बिजनेस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतने नहीं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई न्यू फील्ड को भी ऐड करके रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी एडवांस TDL है और किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। और साथ ही में अगर आप हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग वीडियोस को देखते जरूर है लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहेगी। और अगर आप TDL फाइल के इसी तरीके की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमने अपने YouTube चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जिसके अंदर 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल की वीडियोस हैं। टैली की बेसिक टू एडवांस सभी TDL फाइल्स को डिटेल के अंदर कवर किया गया है। तो आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली के एक एडवांस TDL फाइल के बारे में बता रहे हैं। इंट्रो के अंदर मैं आपको बता चुके हैं कि इस TDL फाइल की मदद से क्या क्या हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमने TDL फाइल को पहले से टैली सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया है, तो आइए देखते हैं इस TDL फाइल की मदद से हम टैली सॉफ्टवेयर में किस किस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं और कैसे उसका एक्सेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे गेटअप ऑफ टैली में आपको नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है माई डॉक्यूमेंट्स। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली के अंदर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस TDL फाइल को सक्सेसफुली लोड कर देंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे गेटअप ऑफ टैली में आपको और भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आ रहे हैं। ये सारे फीचर्स भी अलग अलग तरीके की TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं। जितनी भी TDL फाइल्स हैं सभी आपको विद वीडियोस एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सारी TDL फाइल किस तरीके से डाउनलोड करनी है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दी गई है। तो आइए सबसे पहले इस TDL फाइल का वर्क देखते हैं। तो सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जिस पे लिखा हुआ है माई डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की वाई। इस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने एक नई विंडो आ गई। इसके अंदर चार अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले ITR कॉपी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेलेक्टेड वेबसाइट और सेलेक्टेड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे इसके अंदर एग्जांपल के लिए हमने कुछ कुछ सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को ऐड किया है। आप चाहें तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग और भी काफ़ी सारी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को अटैच कर सकते हैं। TDL फाइल TXT फॉर्मेट के अंदर है, काफ़ी आसानी से इसको एडिट करके यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग और भी डेटा डाल सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर हम ITR कॉपी पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 साल की ITR आ जाती है, 2021-22, 2020-21, 19-20। अब यहाँ पे ITR को किस तरीके से अटैच करना है, एग्जांपल के लिए अगर किसी भी एक मंथ में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक इमेज को इसमें सेट किया था जो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे इस इमेज की जगह हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम अपनी ITR की कॉपी को अटैच करेंगे। अगर यहाँ पे दूसरे ईयर में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउज हो जाता है और आपके कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको अटैच नहीं करना, किस तरीके से अटैच करना है इस वीडियो में आगे आपको बताया जाएगा। सेम इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं जैसे कि पैन कार्ड, GST नंबर, टैन नंबर, इसके अलावा भी अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा एक नई फील्ड को यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्टेड वेबसाइट, ऐसी सभी वेबसाइट जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ई वे बिल की वेबसाइट को ऐड किया हुआ है। अब लास्ट में सेलेक्टेड सॉफ्टवेयर, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो आपको बार बार यूज़ में आते रहते हैं
उन सभी को आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए, जैसे कि एक्सेल, फोटोशॉप, एमएस वर्ड। हमने अपने केस में 3 सॉफ्टवेयर को ऐड किया हुआ है। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर बार बार यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। तो ये वो TDL फाइल है माई डॉक्यूमेंट्स, सिंपल इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये TDL फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ वही सही फील्ड आ जाएंगी जो वहाँ पे हमें शो रही थी। अब एग्जांपल के लिए सबसे पहले ITR1 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा आ रहा है। इस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसके पाथ को यहाँ पे पेश कर देना है जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं। अब एग्जांपल के लिए अपने कंप्यूटर में से एक फाइल को हम ओपन करते हैं, तो इमेजेस के अंदर किसी दूसरी इमेज को हम ऐड कर देते हैं। एग्जांपल के लिए पेंगुइन्स की इमेज को जैसे हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, सिक्योरिटीज वाले टैब में आने के बाद यहाँ से इसका पूरा का पूरा पाथ कॉपी कर दीजिए। ये चीज़ आपको अपनी ITR की कॉपी के साथ करनी है या उन सभी चीज़ों के साथ करनी है जिसको भी वहाँ पे अटैच करना चाहते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं तो वेबसाइट के URL को वहाँ पे ऐड कर देना है। तो एक अभी हम आपको करके दिखाते हैं। तो मान के चलते हैं ये हमारी एक ITR की कॉपी हो गई, इसके पाथ को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद 2019-20 इसके अंदर हम इसको पेश कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको पेश कर देना है। इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार दोबारा से टैली के अंदर इसको रीलोड करा देते हैं। तो उसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करते हैं, F4 की प्रेस करते हैं और कंट्रोल ऐसे शेप कराते हैं। तो ये TDL फाइल एक बार दोबारा से रीलोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अब वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, ITR पे आएंगे, 90-20 पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही इमेज यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से एक ही क्लिक के अंदर अपनी उस पर्टिकुलर ITR को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर में बार बार फोल्डर्स में उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो और भी काफ़ी सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो दोबारा से आप TDL फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ रहे हैं, इन सभी को आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नया भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसकी जगह आप एक नए नाम को ऐड कर दीजिए और ऐसे ही आप काफ़ी सारे और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे वेबसाइट, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर उसको ऐड कर दीजिए। सेम यहाँ पर नीचे की तरफ आइटम लिखेंगे, उस वेबसाइट का नेम लिखेंगे, ब्राउज़र URL लिखने के बाद उसका पूरा पाथ यहाँ पर पेश कर देंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेम इसी तरीके से आपको वर्किंग करनी। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप इस TDL फाइल के अंदर अपने कोडिंग किसी भी वेबसाइट को, डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं और एक नया भी यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो टैली की काफ़ी एडवांस TDL फाइल है और आप देखेंगे गेट वो ऑफ टैली में नीचे की तरफ राइट साइड में ऊपर की तरफ काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आ रहे हैं। इतने ही नहीं, जैसे जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहते हैं अंदर की तरफ आप देखेंगे काफ़ी एडवांस फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी एडवांस तरीके से आपको बाकी सभी रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाती हैं। ये सभी चीज़ें अलग अलग तरीके की TDL फाइल की मदद से ऐड की गई हैं। जितनी भी TDL फाइल्स हैं सभी आपको विद वीडियोज़ एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। ये वो TDL फाइल है जो इस वीडियो में ऐड की गई है और बाकी सभी TDL फाइल की लिस्ट आपको वीडियो के ऊपर स्क्रीन पर शो हो रही है। जितनी भी TDL फाइल्स हैं सभी आपको विद वीडियोस एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP 9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS Excel बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये 5 ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं।
और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टेली प्रेम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।